हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. स्टूडेंट्स, हम लोग कैपिटल बस्टिंग का चैप्टर पढ़ रहे थे और पिछली क्लासों में हमने कैपिटल बस्टिंग में पे बैक पीरियड, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, नेट प्रेजेंट वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू इंडेक्स के क्वेश्चंस किए. आज मैं आपको जो फोर्थ मेथड है, इंपॉर्टेंट मेथड है कैपिटल बस्टिंग में, IRR, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, इस मेथड का क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूं. स्टूडेंट्स, आप जो ये क्वेश्चन देख रहे हैं, इस क्वेश्चन में हमें इनिशियल कॉस्ट दी गई है 80,000. कॉस्ट ऑफ कैपिटल की रेट इसमें 10% दी हुई है, क्योंकि हमें नेट प्रेजेंट वैल्यू भी निकालनी थी. नेट प्रेजेंट वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं. अब हम इस क्वेश्चन में जो कैश इनफ्लो की इंफॉर्मेशन है, इससे हम लोग IRR निकालेंगे. तो देखिए, इनिशियल कॉस्ट 80,000 है. कैश इनफ्लो फर्स्ट 5 ईयर में 14,000 पर ईयर है और उसके बाद 6, 7, 8, 9, 10 ईयर में आपको 16, 20, 30, 20 and 8,000 आपको कैश इनफ्लो दिया हुआ है. और इस क्वेश्चन में आपको पहले से एक चीज दे रहा है, वो ये है कि कैलकुलेट IRR विद द हेल्प ऑफ 10% एंड 15% डिस्काउंट रेट. इसका मतलब देखिए, सवाल निकालने से पहले मैं थोड़ा सा आपको IRR के बारे में बता देता हूं. इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड में जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हमारे सामने दो कंडीशन आ सकती है. पहली कंडीशन ये हो सकती है कि व्हेन कैश इनफ्लोज आर गिवन इक्वल, जब कैश इनफ्लो आपको इक्वल दिए हुए हो, एक जैसे दिए हुए हो, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैलकुलेट पीवी फैक्टर, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर. और प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर हम लोग कैसे निकालेंगे, इनिशियल कॉस्ट अपॉन कैश इनफ्लो. ये मैं शॉर्टकट पे कहूं तो आई अपॉन सी जब हम लोग करेंगे तो फैक्टर आएगा. मान लीजिए कि आपका फैक्टर आया 2.26. ओके, अब 2.26 के फैक्टर को आपको जो ये टेबल होती है, जो मैंने आपको नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड में टेबल बताई थी बुक में, उस टेबल नंबर सेकंड में आप उस 2.26 को ढूंढेंगे. यदि वो किसी रेट में आपको एग्जैक्टली मिल जाता है 2.26, तो आपको ये तामझाम कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ करने की जरूरत नहीं है. आप सीधा बोल देंगे साहब, इस 2.26 फैक्टर इज फाउंड इन दिस डिस्काउंट रेट, सो द डिस्काउंट रेट इज IRR. वही डिस्काउंट रेट जो है वो IRR हो जाएगी. लेकिन ऐसा होगा नहीं. जब ऐसा नहीं होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उन दो रेट्स को देखना पड़ेगा जिनके बीच में ये 2.26 अवेलेबल है. मान लीजिए, सपोज हम मान लेते हैं कि 10% की रेट में दिया हुआ है 1.932. 10% की रेट में कितना दिया हुआ है, 1.932. और 10 के बाद आगे 15% की रेट में दिया हुआ है 2.697. तो अब आप देखिए, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए 2.26. तो वो एग्जैक्टली तो नहीं मिला, पर जब हमने रेट्स को देखा तो दिस फैक्टर इज फाउंड बिटवीन टू रेट्स, 10% और 15%. तो जब 10% और 15% रेट को लेके हम सवाल करेंगे तो 10% क्या हुआ, लोअर डिस्काउंट रेट LDR. ओके, 15% क्या हुआ, हायर डिस्काउंट रेट HDR. और फिर लोअर डिस्काउंट रेट और हायर डिस्काउंट की रेट्स को लेकर प्रेजेंट वैल्यू निकालकर हम आगे
आगे IRR कैलकुलेट करेंगे। ओके, लेकिन ढूंढने से पहले मैं आपको टेबल में ढूंढने से पहले मैं आपको ये ऐसा सवाल कर रहा हूं, इस सवाल में पहले ही ये कह रहा है कि कैलकुलेट IRR विद द हेल्प ऑफ 10% एंड 15% डिस्काउंट रेट। इसका मतलब क्या हुआ, सवाल में हमें पहले से ही दे रहा है कि आपको लोअर डिस्काउंट रेट माननी है 10% और हायर डिस्काउंट रेट आपको माननी है 15%। ओके, तो अब हम इस सवाल को आप ध्यान से देखें। सबसे पहले हमें जो टोटल कॉलम बनाने हैं वो आपको बनाने हैं 6। हमने 6 कॉलम बनाए, 6 कॉलम हमने बना लिए। पहला कॉलम हमारा ईयर का बनेगा, 1 से लेकर 10 तक हमने ईयर लिख दिए। सेकेंड कॉलम जो हमारा बनेगा वो कैश इनफ्लोज का बनेगा। कैश इनफ्लोज में हमें क्या करा है कि पहले 5 साल यानी 1 से लेकर 5 तक पहले 5 साल हमारा जो कैश इनफ्लो है वो 14,000 है, तो हमने 14 ईयर लिख दिया। उसके बाद 6, 7, 8, 9, 10 इसमें हमें जो कैश इनफ्लो दिया हुआ है 16,000, 20,000, 30,000, 20,000 और 8,000 हमने लिख दिया। उसके बाद डिस्काउंट रेट में हमें LDR लोअर डिस्काउंट रेट हमें कितनी माननी है 10%, तो हमने 10% की रेट लिख ली। पिछले टर्न में जब मैंने आपको प्रेजेंट वैल्यू का क्वेश्चन करवाया था 10% डिस्काउंट रेट से, ये वही बात है। यानी आपको यदि IRR निकालना है तो आपको प्रेजेंट वैल्यू निकालनी ही निकालनी पड़ेगी, प्रेजेंट वैल्यू वाले रास्ते से ही आप आगे जाके IRR निकालेंगे। तो सिंपल सी बात है, हमने लोअर डिस्काउंट रेट जो 10% है आपकी टेबल नंबर 1 में भी है, आप कैलकुलेटर से भी निकाल सकते हो, आपने 10 साल की रेट निकाली। ओके, कैलकुलेटर से कैसे निकालते हैं मैंने आपको बताया भी था, उस तरीके से आप निकालेंगे। यानी 100 भाग 110 मल्टीप्लाई का आप निशान दबाएंगे तो 0.909 आएगा, फिर इज्वल टू आप दबाते जाइए, जितने वर्षों की रेट आपको चाहिए आपके पास आ जाए। तो हमने क्या किया, 0.909, 0.826, 0.751, 0.683, 0.621, 0.564, 0.513, 0.467, 0.424 और 0.386, इस तरीके से हमने 10% की पूरी डिस्काउंट रेट निकली। और फिर यहाँ पे HTR है ये 15%, इसमें भी हमने 0.870, 0.756, 0.658, 0.572, 0.497, 0.432, 0.376, 0.327, 0.284 और 0.247 ये हमने रेट लिख ली। अब हमें करना क्या है, हमें इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। ठीक, तो 14,000 को आपने मल्टीप्लाई किया 0.909 से, तो ये 12,726 आ गए। फिर 14,000 को 0.826 से किया 11,564 आ गए। फिर 14,000 को 0.751 से किया 10,514 आ गए। ऐसे आप कैश इनफ्लोज की जितनी भी अमाउंट है इन सबको आप डिस्काउंट रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, मल्टीप्लाई करने के बाद हम करेंगे प्रेजेंट वैल्यू के कॉलम का टोटल। जब आप प्रेजेंट वैल्यू के कॉलम का टोटल करेंगे तो जैसा इस सवाल में आप देख पा रहे हैं यहाँ पे टोटल आ रहा है 97,922 और हमारा इनिशियल कॉस्ट कितना है 80,000। ओके, यहाँ पे आप देखिए आपकी हायर डिस्काउंट रेट 15% है, इसकी हमने रेट लिख ली और इसकी रेट को भी आपको इन कैश इनफ्लोज की अमाउंट से मल्टीप्लाई करना है। यानी 14,000 मल्टीप्लाई 0.870, फिर 14,000 इनटू 0.756, ऐसे आपको आपस में इनको मल्टीप्लाई करना है। तो ये जो प्रेजेंट वैल्यू आएगी ये आएगी प्रेजेंट वैल्यू HDR की, यानी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ हायर डिस्काउंट रेट, और फिर आप इसका टोटल कर लेंगे। टोटल कितना आ रहा है 78,840। ओके, ये बात हुई कैलकुलेशन की। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट बात आपको समझनी है स्टूडेंट्स वो ये है कि लोअर डिस्काउंट रेट से हम जो प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं उसका टोटल हमेशा इनिशियल कॉस्ट से ज्यादा आना चाहिए। यहां पे 10% डिस्काउंट रेट की प्रेजेंट वैल्यू जो
का ही है, इसका टोटल 97,922 आ रहा है और हमारा इनिशियल कॉस्ट 80,000 है, मतलब ज्यादा है। और 15% की जो हमारी रेट है, इसकी जो जो प्रेजेंट वैल्यू है, इसका टोटल आ रहा है 78,840। इसका मतलब ये टोटल 80,000 से कम है। तो हमें ध्यान में क्या रखना है स्टूडेंट्स, हमें ध्यान में ये रखना है कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लोअर डिस्काउंट रेट इज ऑलवेज लेस देन इनिशियल कॉस्ट, सॉरी इज ऑलवेज मोर देन इनिशियल कॉस्ट, ओके। एंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ HDR हायर डिस्काउंट रेट इज ऑलवेज लेस देन इनिशियल कॉस्ट, ठीक है। यानी लोअर डिस्काउंट रेट की जो प्रेजेंट वैल्यू है वो इनिशियल कॉस्ट से ज्यादा आनी चाहिए और हायर डिस्काउंट रेट की कम आनी चाहिए, ये बात हमें ध्यान में रखनी है, ओके। जब इतना काम हम लोग कर लेंगे उसके बाद हमें IRR का फॉर्मूला लगाना है और इस सवाल को सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट्स अब मैं IRR के फॉर्मूले से इस सवाल को सॉल्व करूंगा, ठीक है। हाँ जी, देखिए सबसे पहले मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं, IRR का फॉर्मूला। IRR का फॉर्मूला क्या होता है, LDR, LDR का मतलब लोअर डिस्काउंट रेट प्लस P1 माइनस Q अपॉन P1 माइनस P2 इनटू HDR माइनस LDR, ये फॉर्मूला होता है। तो यहां पे LDR का मतलब लोअर डिस्काउंट रेट हो गया, P1 का मतलब P1 यानी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ LDR, जिसकी सबसे पहले हम लोगों ने प्रेजेंट वैल्यू निकाली उसको P1 बोलेंगे, ओके। Q का मतलब होता है इनिशियल कॉस्ट, आपकी परियोजना की लागत, इनिशियल इन्वेस्टमेंट या इनिशियल कॉस्ट, और इस सवाल में इनिशियल कॉस्ट कितनी है 18,000। फिर P1 माइनस P2, P2 क्या है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ HDR हायर डिस्काउंट रेट, और यहां पे HDR माइनस LDR हायर डिस्काउंट रेट में से लोअर डिस्काउंट रेट को माइनस करना है। अब हम संख्याओं को यहां पे फिट कर देते हैं। आप देखिए लोअर डिस्काउंट रेट अभी हमने कितनी ली, 10, तो 10 प्लस P1, तो P1 है आपका 97,922। अभी मैंने आपको बताया कि प्रेजेंट वैल्यू P1 का टोटल हमेशा Q से ज्यादा होना चाहिए। Q कितना है 80,000। फिर नीचे है P1 माइनस P2 यानी 97,922 माइनस 78,840 इंटू यहां पे क्या करेंगे HDR माइनस LDR, तो HDR कितना है 15, हाई डिस्काउंट रेट 15 है, और माइनस 10, 15 माइनस 10। अब हम पहले इसको सॉल्व कर लेंगे, इसको सॉल्व करने में जितना आएगा उसको हम लोग 10 में जोड़ देंगे। तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करने पे आप देखिए ये आया 97,922 में से 80,000 को मैंने माइनस किया तो 17 ये आ गया, ये IRR इक्वल टू 10 प्लस 17,922 और बटे 97,922 में से 78,840 को हम लोग माइनस करेंगे तो कितना आएगा ये 19,082 और इंटू 15 माइनस 10 ये बच गया 5, ओके। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, 17,922 बटे 19,082 और गुणा 5, तो 10 प्लस इसको सॉल्व किया तो ये आया 4.69, ओके। तो 10 में ये आपने प्लस कर लिया, 14.69 बोलूं और 14.7% आपका IRR का आंसर हमेशा परसेंटेज में आएगा, प्रतिशत में आएगा, इस बात का आपको ध्यान में रखना, ओके। तो ये आपका IRR का स्टूडेंट्स क्वेश्चन हो गया। तो आज की इस वीडियो में इतना ही,
नेक्स्ट टर्न पे हम इसी ऐसे ही सवाल और करेंगे। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, टेक केयर।